सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, यूके के हालात अच्छे होने जा रहे हैं और यूके में नई हुकूमत भी बन चुकी है और डिपेंडेंट वीजा और असाइलम सीकर वालों के लिए चीजें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सलमान आप रिप्लाई नहीं दे रहे, तो यार ये देखे मेरे इंस्टाग्राम में यार, ठीक है, ये इस बंदा और ऐसी बहुत सारी चैट है, मैं जिसको रिप्लाई दे दे तो मुझे जान ही नहीं छोड़ते यार। इतनी लंबी चैट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, यार ऐसे कौन करता है हर रोज कोई ना कोई मैसेज आपको। भाई इतने ज्यादा यार क्वेश्चन करने होते हैं, तो प्लीज आप कंसल्टेंसी ले लिया करें, क्योंकि यार आप दूसरों का हक मारते हैं। बेचारे नए लोग मुझे कंप्लेन कर रहे होते हैं, अभी नए लोगों को क्या बताऊं कि मैं जिसको रिप्लाई दे देता हूं वही जान नहीं छोड़ते। मैं कोई भी अपने इंस्टाग्राम में अपनी चैट ओपन कर लूंगा, ठीक है, तो यही हाल है। तो यार प्लीज ऐसा ना किया करें, आपके पीछे भी लोग रिप्लाई का इंतजार कर रहे होते हैं। एनीवे, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि रिसेंटली ही यूके के अंदर इलेक्शन हो गए हैं और यहाँ पे अभी चीजें बदलना इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए कि अभी जो बंदा नया नया, जिन लोगों ने हुकूमत संभाली है, जिनके हाथों में गई है, वो लेबर पार्टी की है। लेबर पार्टी को आसान लफ्जों में मैं आपको समझाने के लिए बोल दूं, जिसको आप कह सकती हूँ कि हाँ भाई, चलती फिरती पार्टी, जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी होती है, जो लेबर को, मतलब के जो मिडिल क्लास तबके को भी सपोर्ट करती है, उनकी एक एक चीज का हया रखती है और लोगों के ऊपर अपना टैक्स वगैरह का हाथ थोड़ा होला रखती है, मतलब के लोगों को रिलीफ देती है। तो इसी हिसाब की हुकूमत अभी आ चुकी है। जैसे कि ऋषि साहब ने तो बहुत ही टाइट कर दिया था, लोगों को रवांडा शवांडा भी भेजना स्टार्ट कर दिया था और भेजा भी, और बहुत ज्यादा लोगों को रवांडा में जाके परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि जब आप यूके में असाइलम करते हैं, और पहले असाइलम सीकर वालों को मैं अभी क्लियर कर दूं, डिपेंडेंट वीजे पे बाद में आती हैं, तो जब भी आप यूके में असाइलम करते हैं, मोस्टली आपको पता है कि इंडियन पाकिस्तानी करते ही असाइलम है। तो यूके में बहुत ही ज्यादा अपने इंडियन पाकिस्तानी और बंगाली नेपाली असाइलम करके बैठे हैं, और भी कंट्री के लोग हैं वो भी असाइलम करते हैं, अपने अफगानी भी हैं वो भी करते हैं। तो जनाब, बहुत ज्यादा लोगों को रवांडा भेजना स्टार्ट कर दिया था ऋषि सोनक ने, और इससे होता क्या था, 3,000 पाउंड भी वो लोगों को दे रहे थे। ये कोई सेंस ही नहीं बनती कि हाँ आप उनको 3,000 पाउंड भी दे रहे हो और यहाँ से यूके से आप उनको रवांडा में भेज रहे हो और वहां पे फिर आप उनका ख्याल भी रख रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम है, इससे आपका अपनी पॉकेट से जा रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान भी हो रहा था और ये कुछ भी अच्छा रूल्स नहीं था। जो लेबर पार्टी है, इसने तब भी अपनी आवाज उठाई थी कि आप इससे अपने कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, पैसों का नुकसान कर रहे हैं, और सिर्फ हेडेक है, इससे आपको या फिर लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपका नुकसान होगा। तो वैसा ही हुआ। जैसा कि अभी नई हुकूमत अपने वजूद में आ चुकी है, तो उन्होंने जनाब असाइलम सीकर के ऊपर जोर दिया है कि हमने जितने लोगों को रवांडा में भेजा था, हम उनको वापिस बुलाएंगे। अभी इनके फिर से पैसे तो लगेंगे ही, लेकिन वो उनको वहां से वापस यूके में यहाँ पे लेके आएंगे और उनको यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटी देंगे, ताकि आप यहाँ पे रह के काम करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अभी ये जो लेबर पार्टी है वो करेगी क्या, वो आपको फ्री में पैसे नहीं देगी, क्योंकि यूके में आप क्या करते हैं कि आप गवर्नमेंट से पैसे भी लेते हैं, आप काम भी नहीं करते, ब्लैक में इधर उधर करते हैं। लेकिन अभी यूके आपको कहेगा आप अपना टैक्स पे करें, आप अपनी जॉब करें, और बाद में हम देखेंगे कि हमने आप लोगों के साथ करना क्या है, आया क्या हमने आपको यहाँ पे पेपर देने हैं या नहीं। यूके पेपर तो इतनी आसानी से नहीं देगा, लेकिन लोगों को परमिशन दे देगा कि हाँ भैया, आप अपने काम करें और अपना टैक्स आप खुद दें, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो और बाद में वो उनके लिए कुछ ना कुछ सोच सकें कि हाँ भाई, हमने इनके साथ आखिर करना क्या है, तो हमने इनको पेपर दे ही अभी देते हैं क्योंकि ये अपना टैक्स पे करें। लेकिन ये आसान बात बिल्कुल नहीं होगी, ये अभी मैं आपको व्यूज के लिए बोल नहीं सकता, हाँ भाई जो अपना टैक्स देगा वो अपना पेपर हासिल कर लेगा यूके में, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूके में बहुत ज्यादा लोग पहले भी टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नई पार्टी आई है, जो नई हुकूमत आई है, उनके ये इकदाम हो सकते हैं कि जिससे वो असाइलम सीकर को थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकेंगे, और जितनी जल्दी हो सका यूके की गवर्नमेंट ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देगी, ये काम स्टार्ट कर देगी, और लोगों को रवांडा से यहाँ पे वापस यूके में लाके फेंक दिया जाएगा कि हाँ भाई, आप यहीं पे रहें, यहीं पे जलीलो हवार हों, हमें तंग करें, हम आपको तंग करें। और होम ऑफिस से इनको डिपोर्ट होने के लेटर्स भी आते हैं, लेकिन ये सिलसिला पुराना चलता आता है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। याद रखिएगा, असाइलम आप करते हैं जर्मनी में, यूके में, बेल्जियम में या स्वीडन में, मतलब कि ये जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं ना, ये आपको डिपोर्ट सालों से करते आ रहे हैं
और करते ही रहेंगे, और लोग भी असाइलम करते आ रहे हैं और असाइलम करते ही रहेंगे। हम जितना भी समझा लें उन्होंने अपने ही करनी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में भी लोगों को अलग अलग परेशानियों का सामना है। तो लोग कहते हैं कि हम असाइलम कर लें, और हालांकि असाइलम एक अच्छी चीज़ नहीं है। असाइलम का एक मतलब ही ये होता है, रेफ्यूजी लेने का मतलब ही ये होता है कि आप कह रहे हो कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। हालांकि आपको खतरा होता नहीं है, लेकिन हर बंदा ऐसी ही स्टोरी बनाता है। और कुछ लोग तो ऐसी भी स्टोरी बनाते हैं, कहते हैं भाई हम गे हैं। अभी सुनने वाले कहेंगे यार ये सलमान ने क्या ही बात कर दी। तो जनाब जैसा यहाँ पे होता है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ पे तो बॉय बॉय आपस में शादी भी कर लेते हैं। मतलब के कुछ अपने इंडियन भाई हैं और अपने पाकिस्तानी भाई भी हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ। तो जनाब उन्होंने ऐसा ही केस किया था, लेकिन अभी तक उनका केस चल रहा है, अभी तक केस पास नहीं हुआ, केस उनका बस फंसा ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अभी बॉय बॉय शादी तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे यूरोप में और यूके में लोग बहुत कुछ करते हैं और बहुत झूठ सच बोलते हैं पेपर हासिल करने के लिए। तो अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में असाइलम सीकर वालों के लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा हो जाएंगी यूके में। यूके चाहता है कि लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे जॉब्स की, और लोगों से हम पैसे भी कमाएं, जिससे लोगों का भी फायदा हो और हकूमत का भी फायदा हो। और ये बात समझ में भी आती है, एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि वो असाइलम सीकर 5-5, 10-10 सालों से इंडिया पाकिस्तान में नहीं गए, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, और ये स्ट्रेस लोगों को पागल कर देती है। ये चीज भी आपने अपने माइंड में रखनी है। यूके में आके असाइलम करना चाहते हैं तो मैं उनको बताता चलूं, आप असाइलम तो कर सकते हैं, यूके आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपका असाइलम ज्यादा भी चला तो तकरीबन 1-1.5 साल चलेगा, बाद में वो केस आपका हाली और फारग कर देते हैं, फिर आप ब्लैक में रहते हो जैसे कि सारे लोग रहते हैं। तो ये सारी हकीकत का आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ यूके अभी करेगा क्या कि वो ये कर सकता है कि आपको वहां पे रहने की परमिशन दे सकता है 1-1.5 साल के लिए, लेकिन इन 1-2 सालों में अगर आप किसी तरह से वहाँ पे किसी गोरी से शादी कर लेते हो तो समझ लें आप वहाँ पे पक्के हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसा ही करते हैं। अभी आते हैं डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभी साल 2023 गुजरा है, तो जनाब इस साल में यूके ने बहुत भारी रकम लोगों से वसूल की है। जिस बंदे ने स्टडी वीज़ा भी अप्लाई किया था, इवन वो 50 साल का है, 60 साल का है, उसका भी वीज़ा लग गया, और लोग 13,000 pounds 14,000 pounds पे करके, यूनिवर्सिटीज़ की फीसें पे करके यूके में आए हुए हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऋषि सुनक साहब आए और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गई, और डिपेंडेंट वीज़ा भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। डिपेंडेंट वीज़ा होता क्या है समझ लें, आसान लफ्ज़ों में एक के साथ एक फ्री। 2023 में बहुत ज़्यादा लोगों को डिपेंडेंट वीज़ा मिला, और लोग एज अ कपल हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई करते थे, और जनाब वो यूके में यहाँ पे आ जाते थे, और एक बंदा काम करता था और एक बंदा स्टडी करता था, तो उनका पैकेज अच्छा बन जाता था और वो अच्छे से सर्वाइव कर लेते थे। और बाद में ये डिपेंडेंट वीज़ा भी बंद हो गया, लेकिन अभी ये सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो जनाब अभी आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई दोबारा से कर सकेंगे, और आपने इसको अपने वर्क में कैसे कन्वर्ट करना है इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया है, मेरी एक शॉप है, मिसाल के तौर पर समझ लें मेरी एक शॉप है एज अ बारबर, या फिर मेरा कोई रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट का वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, आपके टैक्सेस वगैरह शो करूंगा, मैं पे करूंगा, और अगर मैं एक अच्छा इंसान हुआ तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री में भी दे सकता हूँ, और अगर मैं अगर हुआ बुरा इंसान तो मैं यही कॉन्ट्रैक्ट उसको तकरीबन 25,000 to 30,000 pounds में भी दे सकता हूँ। लोग ऐसे भी वहाँ पे करते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं डिटेल से ही वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे एक दोस्त ने ऐसा किया भी है। तो जनाब ये सारी चीज़ें अभी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएंगी, और हो सकता है कि यूके यहाँ पे लोगों को लीगल भी कर देगा, कुछ ना कुछ तो ये पार्टी करेगी, क्योंकि इस पार्टी के आने का मकसद और मौकफ ही ये था कि हम यहाँ पे जो इल्लीगल लोग हैं इनके ऊपर काम करेंगे, और जिनके केस साफ होंगे इनको हम लीगल करने की ज़रूर ट्राई करेंगे, और लोग अपने टैक्सेस वगैरह दें, वहाँ पे लीगली रहें और कोई क्राइम ना करें, इससे जनाब आपको फ़ायदा ही होगा, पेपर मिलने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो जनाब अभी अच्छी अच्छी खबरें भी आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि ये नई पार्टी से हम लोगों को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो बाकी होप के मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दी होगी, बाकी कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे दूँ। बाकी आई लव यू ऑल, दुआओं में याद रखें।